देख सकते हैं अगर आप नॉर्मल मोबाइल लगाएंगे तो आपको यहाँ पोजीशन दिक्कत होगी, फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। आपके लिए एक वीडियो बना दी है ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये रॉड जो है ये स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। इस भी ये रॉड को मंगाइए अमेज़ॉन से और इसको लगाइए ताकि आपके लिए ज़्यादा। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड। सो मेरे पास बेसिकली कमेंट आ रहे थे और इंस्टाग्राम में भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने ये रॉड लगाया है, ये हाईवे पे स्टेबल है कि नहीं है। सो आज मैं इसी वीडियो को लेके आया हूँ आपके लिए कि ये वीडियो मैं आज टेस्ट करूँगा आपके लिए कि ये रॉड जो मैंने लगाई थी वो स्टेबल है कि नहीं है। सो आज मैं इसीलिए हाईवे पे लेके आया हूँ और मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। और जिन लोगों ने कमेंट किया था और इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज किया था वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं वीडियो, स्पेशली वो वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। और आपके पास भी अगर और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट आके, तो मैं उन पर वीडियो बनाऊँगा फिर आपके लिए। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। सो गाइस चलते हैं फिर, उससे पहले मैं अपना मोबाइल जो है वो इसको होल्डर पे लगा देता हूँ ताकि आपको इजीली मालूम पड़ जाएगी स्टेबल है कि नहीं है आपका मोबाइल। और इससे पहले मैं इसके जो स्टिकर थे वो निकाल देता हूँ ये वाला, और सेम यही चीज़ मैं ऊपर निकाल देता हूँ। सो इसको निकाल दिया मैंने और ये फ़ोन को मैं अब लगाता हूँ ऐसे करके। फ़ोन मैंने लगा दिया है, रॉड स्टेबल हो चुकी है। अब चलते हैं और ग्लव्स पहनते हैं, फिर आपको सीधे निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये रॉड जो मैंने लगाई थी ये स्टेबल है कि नहीं है हाईवे पे 80 की स्पीड पे। तो गाइज आप रॉड का पोजीशन देख सकते हैं कैसे मैंने पोजीशन सेट कर रखी है अपने रॉड की, और मैंने गोप्रो भी अपना वाइड एंगल पर लगा दिया ताकि आपको प्रॉपर व्यू आता रहे पूरी रॉड का कि आपकी रॉड कहीं ऐसा तो नहीं है स्पीड में हिल रही है कि नहीं हिल रही है। और अभी मैंने 40 की स्पीड पे मैं क्रूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता हूँ अपनी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देख सकते हैं आप कि ये मोबाइल जो है बिल्कुल स्टेबल है। और इस टाइम मेरी स्पीड हो रखी है 60 और मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड को और हाई कर रहा हूँ ताकि आप लोग को मालूम पड़ जाए कि रॉड हिल तो नहीं रही है कहीं पे। और आप देख सकते हैं मैं अभी 80 की स्पीड में क्रूज़ कर रहा हूँ और बिल्कुल भी, देखिए आप पोजीशन देखिए, रॉड की बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, ताकि इससे आपको मालूम पड़ जाए कि ये रॉड बिल्कुल स्टेबल है अगर हाईवे पर आप चलाते हैं ऑन रोड। तो अभी मैं 80 की स्पीड में जब क्रूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल भी मोबाइल मेरा मूव नहीं कर रहा है और बिल्कुल स्टेबल रॉड लगा रखी है। सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आप अपने मोबाइल को स्टेबल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं अगर आप नॉर्मल मोबाइल लगाएंगे तो आपको यहाँ पोजीशन दिक्कत होगी, फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। और मैं अभी रॉड की अगर आपको पोजीशन चेंज करके दिखाऊँ तो अभी दिखाता हूँ, मैं स्पीड को थोड़े स्लो करता हूँ और फिर मैं अगर रॉड देखिए तो आप अगर इसको आपको नीचे करना है तो आप ये नीचे कर सकते हैं, और अगर आपको मोबाइल को टिल्ट करना है तो आप मोबाइल टिल्ट कर सकते हैं। ये बोबो का मैंने मोबाइल स्टैंड लगा रखा है और दोनों की मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, मोबाइल के होल्डर की भी और मैंने जो रॉड मंगाई है जो ट्रिक मैंने अपनाई थी वो मेरे ख्याल से तो वो कामयाब है। और आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करिए तब आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। और आप देख सकते हैं अगर आपका मोबाइल यहाँ पर लगा हुआ है तो आपकी दोनों स्क्रीन भी आराम से दिख रही है और मोबाइल तो आपका स्टेबल है ही बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। सो मैं तो आपको यही प्रीफर करूँगा कि आप ये रॉड लगाइए और ताकि आपकी जो ड्राइविंग है और अच्छी स्मूथ हो जाए, जिसकी वजह से आपको मोबाइल बार बार दिक्कत ना दे। और ये देखिए रॉड आपकी लगी हुई है यहाँ पे नीचे तो कोई दिक्कत नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं मोबाइल मैंने जिस पोजीशन में रखा है और जिस तरीके से मैं रॉड लगाई है, जिस पोजीशन में रॉड है उसी पोजीशन में मोबाइल है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टेबल है ये रॉड। जिन लोगों का क्वेश्चन था कि ये स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, सो आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये रॉड जो है ये स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। सो
मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप लोग भी ये रॉड को मंगाइए अमेज़ोन से और इसको लगाइए ताकि आपके लिए ज़्यादा ही बेनिफिट हो जाए। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मोबाइल भी लगा है और ये भी लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन भी दिख रही है। तो रॉड तो लगी लगी है, रॉड तो बेहतरीन है और मोबाइल भी मेरा अच्छे से लगा हुआ है। तो बोबो का जो होल्डर है, ये मोबाइल होल्डर, ये भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी वगैरह सब अच्छी है इसकी और बेहतरीन काम कर रहा है। मेरा मोबाइल भी एकदम टाइट है, तो इसको अगर कोई छीन के भागने की कोशिश भी करेगा तो वही नहीं छीन पाएगा क्योंकि ये मोबाइल टाइट है एकदम। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो अपने अकॉर्डिंग आप देखें मूव कर सकते हैं, चाहे आपको ऐसे रखना है चाहे ऐसे रखना है स्क्रीन को, तो अपने वो तरीके से आप फ़ोन को रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपको सिनेमैटिक दिखाता हूँ, आप देखिए इसको इंजॉय करिए, जब तक मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ। गाइज इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, छोटी ही वीडियो बनाएंगे ताकि आप सभी को मालूम पड़ जाए। और इसकी डिटेल वीडियो जो रॉड की है, बोबो मोबाइल होल्डर है, जो मैंने डिटेल वीडियो उसकी डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। सो दोनों की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी वहाँ पर, आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे है। मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों कर रखा है। सो आज मैंने इसको टेस्ट भी करके दिखा दिया आप लोग की कहने पर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। सो ऐसे ही अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन हाई होता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी मेटियोर वाली वीडियो लाता रहूँगा धीरे धीरे करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।